हाय एवरीवन, आई एम इम्तियाज़ पटेल। आज हम बात करेंगे इंडिया अंडर 19 और बांग्लादेश अंडर 19 का सुपर लीग क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज़ में जो खेला जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी आपको फ़िलहाल आपको जानकारी देना चाहेंगे, तो हिंदुस्तान के कप्तान ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया। तो मुझसे पूछा गया उसकी वजह, तो उन्होंने बताया पिच पे थोड़ा सा मॉइस्चर है तो बॉलर को थोड़ी मदद मिलेगी और हम लो स्कोर में इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान की टीम किस तरह से रहेगी वो भी मैं आपको बता दूं। तो आज जो खेलेंगे रघुवंशी, हरनोर सिंह, कप्तान यश, राजबावा, कौशल, दिनेश, गौतम, विकी, राजवर्धन, वासु और रवि कुमार, इस तरह से भारतीय 11 के खिलाड़ी खेल रहे हैं। और एक चेंजेस हुआ है जो मैं आपको बताते चलूं। चेंजेस के अंदर सिंधु जो है वो इस टीम से इस मैच के लिए आउट हुए हैं। और आपको बांग्लादेश के बारे में अगर आपको बताएं तो बांग्लादेश के कप्तान रकीबुल हसन, वो भी चाहते थे कि वो पहले फील्डिंग करें और वो भी इसी तरह चाहते कि रिस्ट्रिक्ट करके लो स्कोर करें और बाद में वो चेस करें, मगर हिंदुस्तान के कप्तान ने टॉस जीता। तो अभी देखना चाहेंगे किस तरह से मुकाबला रहता है। उम्मीद करते हैं ये मुकाबला करा मुकाबला हो और डेफिनेटली जो टीम अच्छी खेलेगी वो डेफिनेटली जीतेगी, मगर हिंदुस्तान की टीम तगड़ी टीम है और मैं उम्मीद करता हूँ वो अच्छा परफॉर्मेंस करके आगे टॉप लेवल तक और इस टूर्नामेंट को जीतेंगे। थैंक यू।